नमस्ते, मेरा नाम आनंद सिंह बोरा है। मैं एक और वीडियोस फैसिलिटी मैनेजमेंट में आपके लिए लेके आया हूँ, जो शॉप सर्विसेज के रिलेटेड है, जिसमें आपके इक्विपमेंट्स और आपको केमिकल्स वगैरह का भी बेसिक्स उसमें मैंने कुछ डाला हुआ है आपके लिए। बेसिकली जैसे हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं शॉप सर्विसेज से, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और MSDS हमारा हो गया मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, जस इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी। ये हमारे क्लीनिंग इक्विपमेंट हैं, जिसका पहला नंबर पे हमारा सिंगल डिस्क, ये हमारा आपका फ्लोर क्लीनिंग का काम आता है, कारपेट क्लीनिंग का काम आता है, और मार्बल क्लीनिंग, पॉलिशिंग, ये सारा काम हम इससे कर सकते हैं। और इसमें आप ड्राई एंड वेट एंड कारपेट शैम्पूइंग, ये सारी चीज़ें हम इस मशीन से कर सकते हैं। इसको आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफिसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर है दूसरे नंबर पे, इसमें भी हमारे दोनों ऑप्शन होते हैं, वेट एंड ड्राई का भी, दोनों टाइप के होते हैं। और तीसरा मैंने इसमें डाला हुआ है हाई प्रेशर, जिसमें हम कॉमन एरियाज में जहाँ पे नोजल्स के थ्रू क्लीन कर सकते हैं, और ये उस जगहों के लिए उसका आपको इमेज भी डाला हुआ है। और एक एस्केलेटर क्लीनिंग मशीन है, जिसको ये हम इसको मॉल्स या अलग अलग लोकेशन पे ये चीज़ें लगी होती हैं, तो वहीं पे हम इसको यूज कर सकते हैं। और एक ग्लास क्लीनिंग किट भी है, जिसमें टेलीस्कोपी लगी रहती है और उसमें पूरी उसकी चीज़ें लगी हुई होती हैं, उसमें उसके वाइपर वगैरह लगे होते हैं, जिससे हम ग्लास क्लीनिंग करने में हमें आसानी होती है। अगला हमारे केमिकल्स के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, जिसमें हमने टास्क की डाइवर्सी के केमिकल्स इसमें हैं। इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कितना पानी मिलाना चाहिए, कौन सी एरियाज क्लीन करते हैं, ये सारा इसमें पूरा एक डाटा बनाया हुआ है। जैसे R1 हम बाथरूम में यूज करते हैं, और इसमें जो पानी हम 10 ml पानी में 1 लीटर हम पानी मिला के 10 ml हम केमिकल मिलाएंगे और 1 लीटर हम पानी इसमें मिलाएंगे। और इससे हम जैसे बाथरूम हो गया, वीज हो गया, सिंक हो गया, टब हो गया, टाइल्स हो गया, और इन चीज़ों में इससे हम क्लीन कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास R2 हाइजीनिक हार्ड सरफेस क्लीनर, इसमें हम 20 से 50 ml केमिकल मिलाएंगे 1 लीटर पानी में। और अगर हम इस और इसको हम जैसे TV कैबिनेट है, फोटो फ्रेम है, जो जहाँ पे ऐसे दाग हैं जो निकल नहीं रहे हैं उसके लिए, और अगर हम ग्लास या मिरर क्लीन कर रहे हैं, तो फिर हम इसको 10 से 20 ml 1 लीटर पानी में यूज करेंगे। R3 ग्लास क्लीनर है, इसको 20 से 50 ml 1 लीटर में, ऑल टाइप ऑफ ग्लास, विंडोज, मिरर एंड ग्लास डिस्प्लेस। और R4 हम फर्नीचर के लिए यूज करते हैं, जैसे एक उदाहरण के लिए आगे बनाया भी है मैंने, की एरियाज बनाई हुई हैं, जैसे टेबल्स हो गए, चेयर हो गया, इस तरह की चीज़ें इसमें डाली हुई हैं। R5 है हमारा एयर फ्रेशनर है, इसमें कोई चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा इसको यूज कर सकते हैं हम। इसको हम जैसे गेस्ट रूम हो गया, बैंक्वेट हॉल हो गया, ऑफिस रूम, ऐसी जगहों पर हम इसको यूज करते हैं। R6 है टॉयलेट क्लीनर, इसको भी सीधे यूज करते हैं, जैसे स्केल हैं, जो काफ़ी तरह के स्केल जो होते हैं उसको हम इसको इससे हटा सकते हैं। अगला है R7 फ्लोर क्लीनर, इसको हम नॉर्मल जो 20 ml का मिला के 1 लीटर वाटर में, और जो हैवी स्केल है उसके लिए हम 50 ml 1 लीटर वाटर में इसको यूज करते हैं, बाथरूम में भी करते हैं, मोपिंग वगैरह इसमें हम सारा जगहों पे इसको यूज कर सकते हैं। R9 इसको हम बाथरूम
बाथरूम क्लीनर है नॉर्मल 50 से 100 ml, और 1 लीटर पानी में हम इसको यूज़ करते हैं। इससे जैसे बाथरूम वी सिंक टाइल्स फिटिंग रेगुलर वेसिस पे जो होते हैं उस पर हम इसको यूज़ करते हैं। ऐसे टास्क की स्पाइरल HD जो फ्लोर क्लीनर क्लीनर है, ये नॉर्मल नॉर्मल सॉइलिंग जो है 20 ml में हम 1 लीटर वाटर, और अगर हैवी सॉइलिंग है मैं उसमें हम 50 ml 1 लीटर वाटर में इसको, इससे हम मोपिंग विथ मोपिंग कर सकते हैं, स्क्रबिंग कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और टास्की का TR-103, ये जैसे कहीं पे ग्रीस है, ऑयल है, स्टेन है, इस चीज़ को हम इससे क्लीन कर सकते हैं। इसमें 500 ml हम डाल करके इसमें हम 10 लीटर इसको बना करके इसको यूज कर सकते हैं। और अगला है हमारा TASKI 101, इसको हम फ्लोर कारपेट क्लीन कर सकते हैं। इसमें 300 ml हम ये मिला के 10 लीटर पानी इसका बना करके हम कारपेट शैम्पूइंग कर सकते हैं और कारपेट क्लीन कर सकते हैं। इसको ऑफिसेस में भी हम यूज कर सकते हैं और घरों पे भी इसको हम यूज कर सकते हैं। यह केमिकल बहुत अच्छा है। अगर आप इसकी बेसिक्स अगर आपको ये क्लियर हो गया, आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये केमिकल्स हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, और ये इसका पूरा इसमें डाटा बनाया हुआ है। मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाने के लिए ये बनाया हुआ है कि कितना इसमें पानी बनाना है, कितना इसमें केमिकल यूज़ करना है, कौन सी की एरियाज आपको कवर करेंगे आप, ये सारा इस स्लाइड में ऑलरेडी है। आप इसको अच्छे से देखें और आपके काम की बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको शेयर करिए और आप अपना रिप्लाई भी मेरे को करिए कि इसके अलावा आपको और दूसरी तरह के चाहिए तो आपको हम उसमें भी हेल्प करेंगे। और इसके अलावा मैं शॉप सर्विसेज में एक और वीडियो बहुत जल्दी डालूंगा जिसमें शॉप सर्विसेज में पेंट्री बॉयज़ को किस तरीके से काम करना चाहिए, हाउस बॉयज़ को किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या क्या काम उसको आने चाहिए, क्या क्या चीज़ें उससे पूछी जाती हैं, क्या क्या उसको ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मेरा अगली वीडियोस में होगा। तो आप जब तक इसको देखिए तब तक आपको फिर एक दूसरी वीडियोस मिल जाएगी। धन्यवाद।